नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। राजद उपाध्यक्ष का थरोट में भव्य स्वागत, बोले विकास के लिए सरकार तत्पर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का थरोट इलाके में जोरदार स्वागत किया गया। बाघा दो प्रखंड के हरटर स्थित भारतीय थारू कल्याण महासंघ के कार्यालय में संपन्न राजद कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं ने फूल माला व अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। बैठक की अध्यक्षता बाघा जिला राजद के अध्यक्ष सुमंत कुमार ने की। संचालन जिला आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पंकज कुमार ने किया। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि थरवट इलाके के भ्रमण के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र की वस्तु स्थिति को की जानकारी ली। कार्यकर्ताओं से मिला फीडबैक बेहद उत्साहवर्धक है। उन्होंने भारतीय थारू कल्याण महासंघ के केंद्र अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद से भी मुलाकात की। उदय नारायण चौधरी ने इस बात पर खुशी जताई कि हरनाटार एक सशक्त मेडिकल हब बन चुका है, जहां मरीजों को कम खर्च में बेहतर इलाज मिल पा रहा है। इस संपन्न भाव के लिए उन्होंने यहां के चिकित्सकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। थरहट इलाके के लोगों के बीच शिक्षा के प्रति बड़ी जागरूकता को भी उन्होंने अत्यंत सराहनीय बताया। उन्हें छात्रों व उद्यमियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी बैठक में उपस्थित लोगों की दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार जन जन के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निर्मला देवी, प्रखंड अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाद समेत रवि केश कुमार, हरिनारायण प्रसाद, ओम प्रकाश यादव, पूनम देवी, थरवट प्रगतिशील संस्था के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद, शंभुनाथ राय, रामेश्वर काजी, विष्णुदेव काजी आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़।